अपन ने अलग अलग टाइप के पुलिस देखते आए, ठीक है। अब मैं यहां पे एक पुली ड्रॉ करता हूं, सब लोग यहां पे देखो, ये एक पुली है। इस पुली को, ये ऐसा एक स्ट्रिंग है और एक ऐसा स्ट्रिंग है। पुली सपोज ये मूवेबल है, पुली ये मूव करती है, लेट्स से पुली का एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ पुली ऊपर। कोई बोल सकता है गाइस, कोई बोल सकता है कि कितने स्ट्रिंग्स दिख रहे हैं यहां पे आपको, कितने स्ट्रिंग्स दिख रहे हैं यहां पे आपको, यहां पे कितने स्ट्रिंग्स दिख रहे हैं आपको? नहीं ना, देखो ना, ये भी तो एक स्ट्रिंग है और ये एक रेड वाला स्ट्रिंग है। कितने स्ट्रिंग्स है? दो स्ट्रिंग्स है। दो स्ट्रिंग में अलग अलग टेंशन होंगे, टेंशन अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? अरे दोनों स्ट्रिंग के जो टेंशन होगा वो अलग अलग होगा। चलो तो एक एक स्ट्रिंग में टेंशन T1 मान लिया, दूसरे स्ट्रिंग में टेंशन T2 मान लिया, ठीक है। तो एक पूरा स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन कितना होगा? T2। कोई बोल सकता है डायरेक्शन कैसे होगा? कोई बोल सकता है स्ट्रिंग ऑलवेज पुल्स, स्ट्रिंग ऑलवेज पुल्स। तो टेंशन T1 यहां का जो होगा, ये ऊपर होगा टेंशन, यहां पे जो टेंशन होगा T2 और T2 दोनों नीचे होगा। इतना समझ में आ रहा है क्या? और कोई बोलेगा कि पुली क्या होती है? गाइस इसमें पुली जो होती है, पुली का मास कितना होता है? मास ऑफ द पुली कितना? मास ऑफ द पुली कितना? जीरो, बिकॉज इट इज मासलेस। भाई इसका जिंदगी में कोई मास ही नहीं है। तो इसका पूरा का पूरा, यस आइडियल पुली, तो इसका पूरा का पूरा इक्वेशन क्या है? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दिस पुली? टेंशन T1, टेंशन T1 माइनस T2, T2 T1 माइनस 2T2। गाइस यहां पे देखो, ये T1 है और T2 तो 2T2, तो T1 माइनस 2T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली। एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, याद है ना भाई? ये एफ नेट हो गया पुली की FBD। अपन FBD ऑफ पुली दिख रहे हैं यार, पुली की FBD कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे यहां पे बताओ, यहां पे एक्सेलरेशन ऑफ पुली कितना था, इसकी वैल्यू कितनी है? सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ पुली नहीं, सॉरी गाइस, एक्सेलरेशन ऑफ पुली नहीं, मास ऑफ द पुली कितना था? मास ऑफ द पुली कितना था? ये कितना था? जीरो था, जीरो। तो यहां पे क्या आएगा? T1 माइनस 2T2 इक्वल टू जीरो, मतलब T1 इज इक्वल टू 2T2। ये सबको समझ में आया? T1 इज इक्वल टू 2T2, ये सबको समझ में आया? ये आपको ड्रॉ करके लिखना है, ठीक है, ये सबको आपको ड्रॉ करके लिखना है। एग्जाम्पल देता हूं, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं इसके ऊपर। मुझे बताओ, एक पुली है, ये पुली ऐसे कनेक्टेड है, और मैंने बोला ये एक स्ट्रिंग है, मैंने बोला इस टेंशन, इसके स्ट्रिंग में टेंशन टी है। तो मुझे बताओ इस टेंशन में, इसमें कितना टेंशन होगा? इसका मास सपोज जीरो है, मास ऑफ द पुली इज जीरो, तो मुझे तो इसमें टेंशन कितना होगा? इसमें टी, इसमें टी, टी प्लस टी, इसका टेंशन हमेशा इसके टी प्लस टी, कितना कितना? 2T। भाई डायरेक्ट दिमाग, अभी डायरेक्ट दाग, कोई बोला T/2, मार खाओगे यार तुम लोग, ठीक है। इधर टेंशन टी है, अभी यहां पे अभी जस्ट तुमने देखा ना भाई, T1 इज इक्वल टू क्या था? T1 इज इक्वल टू 2T2, इसमें जो टेंशन होता T2 T2 2T2, तो TT 2T, समझ में आया? चलो तो अब मुझे यहां पे बताओ एग्जांपल 2, ठीक है। अब तुम सब यहां पे बताओ, अब बोला है कि गाइस इसमें टेंशन टी है, इस स्ट्रिंग में टेंशन टी है, तो मुझे बताओ इस टेंशन में, इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा? T" कितना होगा इस स्ट्रिंग में, कितना टेंशन होगा? दो पुलिस है, एक ये है और इधर, कितना होगा? देखो ये टेंशन टी है, तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग में यहां पर जो टेंशन होगा वो टी होगा। तो ये टी है, तो टी प्लस टी, तो यहां पर जो टेंशन आएगा, जैसे मैंने इसके अंदर का टेंशन लिया T-, ठीक है, तो यहां का जो टेंशन आएगा गाइस, ये सपोज मैंने T- लिया, तो यहां पे T- की वैल्यू पहले कितनी आएगी? 2T, टी प्लस टी 2T। अब ये T-, तो ये T" की वैल्यू कितनी आएगी? तो यहां पे T" की वैल्यू आएगी 2T-, कितना होगा वो? 2 into 2T, कितना? 4T, समझ में आ रहा है क्या? अब करने का यार तुम लोग को ये करने का भी जरूरत नहीं, देखो यहां पे T T 2T 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 4T, समझे गाइस? सबको समझ में आया?
तो ये वाला जो है, ये वाला पुली पहले अपन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो नीचे टेंशन टी, इधर टेंशन टी, इसका एफबीडी बनाएंगे, तो ऊपर टेंशन टी डैश, मास जीरो है तो यहाँ पे टी डैश की वैल्यू कितनी आई, 2t आई। लेकिन ये सब कुछ एफबीडी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको अभी रूल बन गया, आपका रूल बन गया, तो टी डैश की वैल्यू कितनी है, 2t। फिर किसी को बोला इसका सर इसका एफबीडी बनाओ, तो इसका एफबीडी क्या आएगा, ये पुली के ऊपर ये ऐसे 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 दो स्ट्रिंग्स थे, ये जाएगा टी डैश, ये भी जाएगा टी डैश, ऊपर जो था वो टी डबल डैश था, तो टी डबल डैश की वैल्यू कितनी आई, टी डबल डैश की वैल्यू कितनी आई, 2t डैश आ गया ना। तो दो एफबीडी, दो पुली के दो एफबीडी बना के क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये सब कुछ एफबीडी निकालने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन ऊपर हो नीचे हो कुछ फर्क पड़ता है हरीशा, एक्सेलरेशन मुझे बताओ, इन दोनों का एक्सेलरेशन A1 है, इसका सपोज A2 है, कुछ फर्क पड़ेगा क्या एक्सेलरेशन से, पुली के एक्सेलरेशन से कुछ लेना देना है क्या, है क्या, मास जीरो है ना भाई, मास जीरो है, अभी तो यहाँ पे दिखाया, थोड़ा सा दिमाग लगाना चालू करो आप लोग अभी, क्योंकि अभी दो एक महीना हो चुका है, इधर मास जीरो है, दिमाग लगाना चालू करो थोड़ा सा, ठीक है। एक्सेलरेशन से कोई फायदा नहीं है, यही तो बताया था मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसको भी लिखो, चलो एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 लिखो।